अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल नॉलेज फॉर ऑल में आपको वेलकम करते हैं एक न्यू टॉपिक, एक न्यू लेसन के साथ। ग्रामर की जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, ये उसी का तसलसल है। और आज का टॉपिक हमारा द टेंसेस। द वर्ड टेंस इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। टेंस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। लर्निंग टेंसेज इज नेसेसरी फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। The tense is simply a way of using a form of verb in a sentence to express the time or state of an action. The verb tenses may be categorized according to the time frame. For example, present, past, future. Present, it expresses the action that occurs in the present. Past, it expresses the action that occurred in the past. And future, it expresses the action that will occur in the future. Maksad, hal, maazi aur mustaqbil. Each of them is further divided into four types. Present tense, ye bhi further four types mein divide hai. Present simple tense, ya present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस के भी इसी तरह उसको चार में डिवाइड किया गया है, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये उसका एक चार्ट है, एक फ्लो चार्ट है, जिसमें हम ईजिली आप समझ सकते हैं के देर आर 12 पॉसिबल वर्ब टेंसेज, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर उनकी फर्दर जो नीचे टाइप्स लिखी हुई हैं, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस जो हमारा पहला टॉपिक है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट और कंडीशन दैट इज अकरिंग इन द प्रेजेंट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अब उर्दू में हम कहते हैं कि वो खे जिसके अंदर जिसके एंड पे ता है, ती है, ते है आता है, तो वो हमारा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। इसके रूल्स क्या हैं कि इसके अंदर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। आई प्ले, अब ही शी के साथ एस या ई एस का इजाफा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही आर शी प्लेज। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एम्फसाइजेज द कंटिन्यूइंग नेचर ऑफ एन एक्ट, इवेंट और कंडीशन। इसके रूल्स में क्या है कि इज, एम और आर का ये साथ यूज होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है और साथ आई एन जी का इजाफा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग, हमने यहाँ पे प्ले फर्स्ट फॉर्म हो गई और साथ आई एन जी का इजाफा हो गया, क्योंकि ये कंटिन्यूस उस चीज़ को शो कर रहा है। ही शी, फॉर एग्जांपल, ही इज प्लेइंग और शी इज प्लेइंग। दे आर प्लेइंग, जो प्लूलर है उसके साथ आर आ जाएगा, जो सिंगल है उसके साथ इज आ जाएगा, आई के साथ क्या आएगा, एम आ जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारे टेंसेस थे। आज हमने जो दो टेंसेज हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये आज हमने कंप्लीट किए हैं। इसी तरीके से दो या तीन वीडियोस के अंदर हम ये तमाम टेंसेस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको काइंडली लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।